नमस्कार बच्चों, लोकतंत्र और विविधता भाग एक में हमने विविधताओं के बारे में जानकारी ली। यह भी जाना कि विश्व के अन्य भागों में किस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। परंतु कुछ प्रश्न भी उठे, जैसे कि यदि किसी समाज में असमानता है तो उसका किसी देश पर या दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या किसी देश में असमानता नहीं भी होती है? समरूप समाज क्या होता है? भारत में किस प्रकार की असमानता, सामाजिक विभाजन या विभिन्नताएं पाई जाती हैं? बच्चों, इन सभी प्रश्नों के जवाब हम भाग दो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र और विविधता भाग दो। कई बार यह भी देखने को आया है कि एक ही धर्म के अनुयायी होने के बावजूद वो एक जाति वाले लोगों से ज्यादा नजदीकी रखते हैं। एक ही परिवार में या वंश में जन्म लेने के बावजूद कई बार अमीर और गरीब में भी अंतर आ जाता है। एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही कुल, फिर भी असमानता। इसी तरह लोग एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। आप अपने पेशे के हिसाब से भी अपनी सोच के मुताबिक लोगों का चुनाव करते हैं, इसलिए यह विभिन्नताएं तो हर क्षेत्र में पाई जाती हैं। बच्चों, अब यहाँ पर एक प्रश्न और सामने आता है कि यह विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव कब होता है? बच्चों, सामाजिक विभिन्नता तब होती है जब सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जैसे हम बात करें अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है। कैसे? अश्वेत लोग आम तौर पर अमेरिका में गरीब हैं, बेघर हैं, भेदभाव का शिकार हैं। जब उन्हें यह लगने लगता है कि यह भेदभाव बड़ा हो गया है, सब बातों से ऊपर हो गया है, तो उन्हें लगता है कि हमें अलग रहना चाहिए। इसी तरह हमारे देश भारत में दलित लोग हैं। सभी की बात हम यहाँ पर नहीं करते, क्योंकि हमारे देश में दलितों के लिए बहुत काम हो रहा है। उन्हें हर संभव अधिकार दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, नौकरी में विशेष वर्ग में आकर अधिकार। मगर फिर भी बहुत से दलित गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ता है। बच्चों, जब यह इस तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय से हैं, अलग हैं, तो वहाँ पर एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। सामाजिक विभाजन किसी समाज को दो टुकड़े में बांट सकता है और यह किसी भी समाज के लिए खतरा बन सकता है, और हमें ऐसा नहीं
करने देना चाहिए, इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब वह एक है। तो ऐसे विभाजनों से बचने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। अब बच्चों, हमारे सामने यह बात निकल कर आती है कि अगर समानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो एक समूह के लोगों के लिए दूसरे समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। जैसे देखिए, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। जैसे बच्चों, यहाँ तीन तरह के वर्ग हमने दिखाए हैं, तो जातिगत भेदभाव तो इन तीनों वर्गों में पाया जाता है, धार्मिक भेदभाव भी पाया जाता है। तो इनमें किसी विभिन्नता को लेकर अलग पहचान बनाना मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि किसी मुद्दे पर कई समूहों के हित एक जैसे हो सकते हैं, वो चाहे कोई भी समूह हो। मान लीजिए हम चुनाव के बारे में ही बात करते हैं, तो वहाँ पर हर एक का नज़रिया अलग हो सकता है, व्यक्तिगत नज़रिया भी अलग हो सकता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किसी एक मुद्दे को लेकर किसी के विचारों में मतभेद भी हो सकता है और किसी दूसरे मुद्दे पर समान विचार भी हो सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि समाज में सामाजिक विभाजन है या असमानता है, उसका किसी देश पर या दुनिया में क्या असर होता है। यहाँ पर हम दो उदाहरण लेंगे, पहला है उत्तरी आयरलैंड का और दूसरा नीदरलैंड का। दोनों ही देशों के विषय में अगर हम बात करें, ये दोनों ही देश ईसाई बहुल देश हैं, मतलब यहाँ पर ईसाई धर्म की बहुलता है। बहुलता का मतलब यह नहीं कि यहाँ पर और किसी धर्म के लोग नहीं हैं, और धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं, मगर ईसाई धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग हैं। उत्तरी आयरलैंड, नीदरलैंड, ईसाई धर्म दो खेमों में बंटा हुआ है। पहला खेमा है प्रोटेस्टेंट और दूसरा खेमा है कैथोलिक। मतलब पहले खेमे वाले प्रोटेस्टेंट को मानते हैं और दूसरे खेमे वाले कैथोलिक को मानते हैं। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। पहले हम उत्तरी आयरलैंड के बारे में विचार करते हैं कि वहाँ पर वर्ग और धर्म के बीच में समानता देखने को मिलती है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच मेल दिखाई नहीं देता, मगर नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच में ऐसी समानता देखने को नहीं मिलती, मतलब उनमें समानता नहीं है, असमानता है। उत्तरी आयरलैंड का कैथोलिक समुदाय गरीब है, उसके साथ भेदभाव होता है। चलिए अब उत्तरी आयरलैंड पर विचार करते हैं। वहाँ पर कैथोलिक समुदाय गरीब है और उसके साथ भेदभाव भी होता है, जबकि नीदरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। नीदरलैंड में दोनों ही खेमों में अमीर और गरीब लोग हैं। तो हमने यह तो जान लिया कि वहाँ की कैसी स्थिति है, अब जानते हैं कि इसका परिणाम क्या निकला। परिणाम, उत्तरी आयरलैंड में दोनों खेमों में मारकाट, पर नीदरलैंड में नहीं। तो इसका परिणाम
यह निकला कि उत्तरी आयरलैंड में दोनों खेमों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच मार काट चलती रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भेदभाव होता है। अभी हमने पढ़ा कि कैथोलिक समुदाय गरीब है और उसके साथ भेदभाव होता है, और जहाँ पर भेदभाव होता है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता ही है, और दूसरी तरफ नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर असमानता है, दोनों ही खेमे अमीर गरीब भी हैं, मगर यहाँ पर भेदभाव ना होने के कारण मार काट नहीं होती। तो इस सब को जानने के बाद हमारे पास यह निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं, जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे से गुंथ जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार होने लगती है। तो पहला निष्कर्ष सामने आता है कि जब सामाजिक विभिन्नताएं एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं, गूंथ जाती हैं, तो गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार हो जाती है, तो समाज विभाजन की ओर जाने लगता है। जहां ये सामाजिक विभिन्नताएं एक साथ कई समूहों में विद्यमान होती हैं, वहां उन्हें संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। जहां पर सामाजिक विभिन्नताएं एक समूहों में कई वर्गों में होती है तो उन्हें संभालना आसान होता है। आइए अब आपको विश्व मानचित्र का एक भाग दिखाते हैं। बच्चों, यह रहा हमारा देश भारत। यहाँ से जब हम यहाँ आते हैं तो आप पहुँच जाते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो इसके इस भाग को हम बोलते हैं नीदरलैंड, और यहाँ पर है उत्तरी आयरलैंड। बच्चों, अब इन दोनों की कहानी को समझने के बाद हमारे समक्ष कुछ बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं। आज के युग में अधिकतर समाजों में कई तरह के विभाजन देखने को मिलते हैं। समरूप समाज में भी बदलाव, जहां पर समरूप समाज मतलब एक जैसी नस्ल और संस्कृति के लोग रहते हैं, कोई विभिन्नता नहीं, वहां पर भी जब दुनिया के बाकी हिस्सों से लोग पहुंच जाते हैं, आजकल तो दुनिया सिकुड़कर छोटी हो गई है, जहां मर्जी आप जा सकते हैं, तो ऐसे समरूप समाज में जब बाहर से लोग आ जाते हैं तो वहां पर भी बदलाव आ जाता है, और यह बदलाव बड़ी तेजी से होता है, जिसके कारण वहां पर भी विभाजन देखने को मिलता है। देश बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, देश छोटा हो या बड़ा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भेदभाव बढ़ जाता है तो विभाजन की स्थिति बन जाती है। भारत में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। हमारा भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें बहुत सारे विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, बहुत से धर्म हैं, जातियां हैं, बोलियां हैं, पहरावे हैं, संस्कृति है, तो यहाँ पर भी विभाजन देखने को मिलता है। बेल्जियम छोटा देश, अनेक समुदाय। जैसे बेल्जियम एक छोटा देश है, यहाँ पर भी विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, यह देश भी विभाजन की स्थिति से उलझ चुका है। स्वीडन समरूप समाज।
बच्चों, स्वीडन में एक ही नस्ल और संस्कृति के लोग रहते हैं। यहाँ पर समरूप शब्द का प्रयोग हुआ है। सम जमा रूप से बने इस शब्द का मतलब है समान रूप, अर्थात जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नता नहीं होती, लेकिन वहाँ पर दुनिया के दूसरे हिस्सों से पहुँचने वाले लोगों के कारण तेजी से बदलाव हो रहा है। जो लोग बाकी देशों से आते हैं वो अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुँचते हैं, फिर वो अपना अलग समुदाय बनाना चाहते हैं। इसी कारण आज दुनिया के अधिकतर देश बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। बहुसांस्कृतिक का मतलब भिन्न भिन्न संस्कृति वाले। तो बच्चों, यह तो हमने जाना कि विविधता चाहे संस्कृति की हो, नस्ल की हो, जाति की हो, भाषा की हो, चाहे रंग भेद की हो, समाज में टकराव की स्थिति पैदा करती है। चलिए हम दया पवार जी की कुछ पंक्तियां सुनते हैं। उन्होंने लिखा है, एक रोज किसी ने खोद निकाला 20वीं सदी का एक शहर और फिर लिखा अपना निष्कर्ष कुछ इस तरह। यहाँ है एक दिलचस्प अभिलेख, इस नल पर हर जाति और धर्म के लोगों को पानी पीने की अनुमति। क्या मतलब होगा ऐसा लिखने का? क्या यह समाज आपस में बंटा हुआ था? क्या इस समाज में कुछ ऊंचे थे और बाकी नीचे? ठीक है, फिर इस शहर को दफन कर देना ही बेहतर। क्यों कहा गया इसे फिर मशीन का युग? यह तो एन 20वीं सदी के बीच पाषाण काल था। यह कविता दलित कवि श्री दया पवार जी की लिखी हुई है और इसके पोस्टर के ऊपर अप्रकट रंग भेद क्यों लिखा गया है? तो वो उनकी कविता में जो उन्होंने अपने विचार लिखे हैं उससे ही काफी कुछ सामने यह आता है कि 20वीं सदी, जिसको कि मशीन का युग कहते हैं, उसमें भी एक ऐसी मिसाल मिली जब किसी ने खोद में यह पाया कि एक किसी नल के पास एक अभिलेख लिखा हुआ मिला जिस पर लिखा था कि यहाँ पर हर जाति धर्म का व्यक्ति पानी पी सकता है। अगर 20वीं सदी में जाति भेद इत्यादि विभिन्नताएं ना के बराबर थी तो ऐसा क्यों लिखा गया? क्या जरूरत थी ऐसा लिखने की, जबकि सब समान थे? इसका मतलब 20वीं सदी में समानता नहीं थी, भेदभाव था, जो इस दलित कवि की लिखी कविता से उसका दर्द बयां होता है। ऐसे ही एक कविता और है, माँ। यह भी दलित कवि श्री बामन निम्बालकर जी द्वारा लिखित है। वो लिखते हैं, माँ काली काली पतली देह, वह माँ थी मेरी, जंगल में गुम ठीक सुबह से
जलावन के लिए हम सारे भाई साथ बैठे देखते थे उसकी राह, और अगर वह जलावन ना बेच पाती तो भूखे सो जाते थे। बामन जी को अपनी कविता में अपनी माँ के लिए काली या पतली देह जैसे विशेषण क्यों लगाने पड़े? खाने के लिए इतनी लाचारी क्यों व्यक्त करनी पड़ी? क्या सचमुच दलितों की ऐसी दशा थी? यह दोनों कविताएं भी हमारे मन में बहुत से सवाल पैदा करती हैं। ये विभिन्नताएं क्यों? मानव ही मानव से अलग क्यों? चलिए इस कहानी के माध्यम से एक विभिन्नता, एक असमानता पर और विचार करें। ध्यान से इस कहानी को सुनिए और फिर बताएं इसमें कौन सी असमानता के बारे में बात हो रही है। इमराना 10वीं बी कक्षा की छात्रा है। वह एक अच्छी खिलाड़ी भी है। उसका खो खो में प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा था। वह अपने स्कूल की तरफ से 12वीं कक्षा को दी जाने वाली विदाई पार्टी की तैयारियों को करने में जुटी है। वह इस काम में 11वीं कक्षा के छात्रों की मदद कर रही है। वह बस में बैठकर स्कूल आती है। यह वो ही बस है जिसमें यमुना पार से आने वाले और भी बहुत से बच्चे होते हैं। वह सबके साथ मिलजुल कर रहती है। इमराना और उसकी बहन अपने दोस्तों से बात करते हुए कहती है कि स्कूल आने से पहले उन्हें मम्मी के साथ बहुत सारा काम करवाना पड़ता है, जबकि उनके भाई आराम से बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि उसके पिताजी उसकी बड़ी बहन के लिए लड़का भी देख रहे हैं ताकि उसकी शादी की जा सके। उनकी कोशिश है कि वो लड़का उनकी हैसियत का होना चाहिए। अब आप बताओ, आपने इस कहानी में से किस किस बात पर गौर किया? चलिए मैं बताता हूँ। इमराना लड़की है, उसे पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता है, जबकि उसके भाई कोई काम नहीं करते। उसकी बहन से पढ़ाई छुड़वाकर उसकी शादी करना चाहते हैं। एक यहाँ पर हैसियत शब्द का प्रयोग हुआ है। हैसियत दो चीजें दर्शाता है, जाति पाति या निम्न मध्यम वर्ग। तो यहाँ पर भी जाति पाति, ऊंच नीच, लिंग के आधार पर असमानता देखने में आती है। अभी इस भाग में हमने असमानताओं के बारे में जाना। तो बच्चों, आगे यह प्रश्न उठता है कि क्या इन असमानताओं का या विभाजनों का राजनीति पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? क्या सामाजिक विभाजनों से राजनीति का कोई लेना देना होना चाहिए? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम अध्याय के दूसरे भाग को जरूर देखें और सुनेंगे। तब तक इस पाठ में हमने क्या समझा, उसके साथ संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। बच्चों, आज हमने यह जाना कि
समानता और असमानता का क्या अर्थ है, यह भी जाना कि जातिगत और धार्मिक भेदभाव क्या होता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में व्यवस्था पर चर्चा की। समरूप समाज का क्या अर्थ होता है, यह ज्ञान भी प्राप्त किया। कुछ कवियों की रचनाओं से भारतीय समाज की जानकारी ली। इमराना की कहानी से यह जानकारी ली कि भारत के समाज में किस प्रकार की समस्याएं हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह अध्याय अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास प्रश्न एक, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड रिक्तस्थान देश हैं। एक ईसाई बहुल, दो मुस्लिम बहुल, तीन हिंदू बहुल। सही उत्तर है ईसाई बहुल। दो, मैक्सिको ओलंपिक में धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे। एक अमरीकी, दो ऑस्ट्रेलियन, तीन एफ्रो अमरीकी। सही उत्तर है तीन, एफ्रो अमरीकी। प्रश्न तीन, मैक्सिको ओलंपिक में टॉमी स्मिथ ने रिक्तस्थान पदक और जॉन कार्लोस ने रिक्तस्थान पदक जीता। एक स्वर्ण, दो रजत, तीन कांस्य। उत्तर है मैक्सिको ओलंपिक में टॉमी स्मिथ ने स्वर्ण पदक और जॉन कार्लोस ने कांस्य पदक जीता। प्रश्न चार, रिक्तस्थान भरे। ईसाई धर्म रिक्तस्थान खेमों में बंटा हुआ था। एक खेमा था रिक्तस्थान समुदाय, दूसरा खेमा था रिक्तस्थान समुदाय। ईसाई धर्म दो खेमों में बंटा हुआ था। एक खेमा था कैथोलिक समुदाय, दूसरा खेमा था प्रोटेस्टेंट समुदाय। प्रश्न पांच, मिलान करें। कैथोलिक समुदाय, प्रोटेस्टेंट समुदाय, अमीर, गरीब। उत्तर है कैथोलिक समुदाय गरीब, प्रोटेस्टेंट समुदाय अमीर।